हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज हम करेंगे अपने माइक्रोवेव को क्लीन और किचन की दो तीन चीज़ें जो क्लीन करने से रह गई थी, आज मैं उनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। और आइडियाज़ तो शेयर करने से ही देखिए एक दूसरे को पता चलते हैं। और ये मेरा IWebP का है, माइक्रोवेव कन्वेंशनल ग्रिल, तीनों चीज़ हैं इसमें। तो इसको क्लीन करना है, किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है तो अभी क्लीनिंग का काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो होली पे आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये हैं ऑरेंज जूसी जूसी जो मैंने आज खरीदे थे, इनको मैंने वॉश करके रख दिया है। और चलिए माइक्रोवेव साफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कांच के कटोरे में पानी ले लूँगी और पानी में नींबू को निचोड़ लूँगी। एक पूरा नींबू मैं इसमें डाल दूँगी निचोड़ के, फिर इसको माइक्रोवेव में रखूँगी। तो ये मैंने पानी ले लिया है और नींबू को कट कर लिया है, और पूरा लेमन मैं इसमें एक लेमन पूरा निचोड़ दूँगी। और इसी से हम माइक्रोवेव को क्लीन करेंगे। जब हमें माइक्रोवेव के डेमो देने वाला भी आता है ना, जब हम माइक्रोवेव खरीद के लाते हैं तो डेमो देने के लिए जब कोई आदमी आता है घर पे, वो भी हमें बताते हैं कि हमें मंथली क्लीनिंग में हमें नींबू निचोड़ के बाउल में और इसमें रख के 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव चला देना है। तो उससे क्या होता है, अंदर जितनी भी ग्रीस जमा होती है, ऑयल जमा होती है, तो वो सब निकल जाती है। और ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है माइक्रोवेव। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो माइक्रोवेव अच्छे से काम नहीं करता, उसमें मतलब हीट नहीं कर पाता इतने अच्छे से। तो मंथली बेसिस पे हमें ये सब करना चाहिए। तो मैंने भी कांच के कटोरे में पानी डाला और उसमें नींबू डाला और इसके अंदर रख दिया और 10 मिनट्स इस पर सेट कर दिए। तो इतना 10 मिनट्स ये होता है, इतना मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। और ये देखिए मैं इस पे ये रख देती हूँ, इस पे मैं छोटे छोटे से ये जो रबर होते हैं ना और ये क्लिप्स जो होती हैं पैक करने वाली, ये रख लेती हूँ। तो मुझे कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, मिल जाती हैं आसानी से। तो अब क्योंकि इनकी ढक्कन टूट गया था ना, ये मटकी जो हैं छोटी छोटी, तो इनमें मैं यही रख लेती हूँ, रबड़ रख लेती हूँ, क्योंकि ये रबड़ भी काफ़ी चाहिए होती हैं किचन में। और ये क्लिप्स हैं जो खुले हुए पैकेट को बंद करने के काम में आती हैं। तो ये एक और नींबू है, देखिए नींबू हमारे यहाँ सफाई में बहुत यूज़ होता है। ये नींबू बड़े काम की चीज़ है, जैसे ये स्टील की रैक वगैरह है, मैं इनको भी इसी से साफ़ करती हूँ और एकदम चमक जाती है। ये मैंने अभी क्लीन नहीं की है, तो आज ये बचे हुए काम सब मैं करूँगी। तो वैसे तो मैं बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ नींबू के साथ में, लेकिन बेकिंग सोडा भी मेरा ख़त्म पड़ा है, लाना है। तो मैं थोड़ा नमक ले लूँगी और नींबू ले लूँगी, इससे भी ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। मैं जब बेकिंग सोडा नहीं होता तो तब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस नींबू को मैं कट कर लूँगी। तो ये है विम लिक्विड, इस बार विम लिक्विड के बदले एक क्लीन मेट का ले आई थी मैं इजी डे से। और ये रैक हम साफ़ करेंगे आज, और मेरे किचन की अधिकतर क्लीनिंग हो चुकी है, बस ये रैक वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी, इनमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं इनको भी क्लीन कर लूँगी, काम मेरा फिनिश हो जाएगा। और ये देखिए स्टील के स्पून रखने वाले, और ये मंथली देखिए अंदर से ये कितना ब्लैक हो गया, इसमें जंग सी लग जाती है, अगर इसको जल्दी जल्दी साफ़ ना करो तो ये बेकार हो जाता है। तो मैं इस पे नींबू पे नमक लगा लूँगी और इस पे पूरे पे लगा दूँगी। और ये लगाने के बाद मैंने 10 मिनट छोड़ दिया, फिर इसको वॉश किया और देखिए कितना चमक गया है, सारी जंग वंग सब निकल गई है, बिल्कुल एकदम नया लग रहा है। तो अगर आपकी चीज़ें भी ऐसे जंग खा रही हैं या फिर कुछ दिन हो गए हैं, तो नींबू बहुत अच्छा ऑप्शन है उनको साफ़ करने के लिए। तो इतना माइक्रोवेव का टाइमर चल रहा है, अब उसमें टाइमिंग है। तो इतना मैं इस रैक पे भी नींबू लगा के इसको भी साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको साफ़ कर कपड़े से साफ़ कर लूँगी। देखिए कितने चमक गए, मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, बस नींबू और नमक लगा के छोड़ दिया 10 मिनट्स के लिए, और फिर इसको विम बार से साफ, और ये बिल्कुल चमक गए। अब देखिए माइक्रोवेव को देखते हैं, माइक्रोवेव में कितना टाइम बचा है, फिर इसको भी क्लीन करते हैं। तो अभी उसका टाइमिंग अभी पूरी नहीं हुई है, तो इतना मैं अपनी ये रैक जमा देती हूँ। और देखिए कैसे चमचमा रही है रैक, और किचन साफ़ होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, जबकि मेरी किचन काफ़ी पुरानी बनी हुई है यार, लेकिन क्लीनिंग के बाद तो हर एक चीज़ चमकती है। तो ये जो कप वगैरह हैं ये सब जगह पे लगा दूंगी, और जितनी चीज़ें इधर उधर फैल गई हैं। और क्लीनिंग करने से देखिए ये अचार की डब्बी खाली रखी है, इसमें मूली का अचार था सर्दियों में जो काफ़ी खाया जाता है, तो वो सब खाली हो गई है। तो वॉश करके रखूंगी। बीच में सक्षम आ गया, होली की कैप दिखा रहा है मुझे। बच्चों को पता है होली, मुझे पता है होली की रंग दिखा है, वो छत पे है। ओके ओके, तो ये सब मैं डब्बे साफ करके जगह पे लगा दूंगी। और तो देखिए क्लीनिंग बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चलता है कि
कई चीजें तो एक्स्ट्रा यूं ही रखी रहती हैं, क्लीनिंग होती रहती है जल्दी जल्दी, तो वो सब चीजें हटती रहती हैं, जगह पे आती रहती हैं। और ये मिला मल्टीविटामिन का डब्बा जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, नहीं लेती तो फिर मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है यार, अपनी केयर करनी भी बहुत जरूरी है। तो सारी डब्बियाँ क्लीन करके जगह पे लगा दूंगी और इतना मेरा माइक्रोवेव का टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो हर एक चीज की क्लीनिंग बहुत जरूरी। और चमचमाती साफ किचन किसको नहीं अच्छी लगती, मतलब किचन तो साफ सुथरी हो तो काम करने में मन लगता है, और चमकती हुई डब्बियाँ और बिल्कुल क्लीन क्लीन हर चीज देखने में भी मजा आता है। और मुझे क्लीनिंग का वैसे भी बहुत ज्यादा रहता है तो होता है ना, बस अपनी हैबिट होती है सब सबकी, और अच्छा भी है यार, क्लीनिंग तो एक अच्छी हैबिट है। तो सब चीज़ों को जगह पे, और देखिए एक्स्ट्रा क्लिप व्लिप इधर उधर पड़ी हुई हैं, सब चीज़ें ठिकाने पे लग जाएंगी अब क्लीनिंग हो रही है तो, और सब चीज़ों को साफ करके जगह पे लगा दूंगी। तो आज लगभग मेरी किचन की क्लीनिंग पूरी हो गई, और जो बस नीचे की जो जगह है ना बस वो क्लीन होनी है, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें तो जब पोंछे वाली आंटी आएंगी तभी वो क्लीन करूँगी, क्योंकि वो उसको अच्छे से रगड़ देंगी और बहुत अच्छे से साफ कर देंगी, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है आंटी के आने से मुझे। और यार हेल्प तो चाहिए होती है, इतना काम होता है घर में, सभी के घर में, और त्योहारों पर तो काम बढ़ जाता है। तो ये डब्बी पीछे रखूँगी, इसको वॉश करके रखूँगी बाद में। तो और ये मैंने नींबू तो पहले ही लगा दिया था इस पर, तो छोड़ दिया था मैंने 10 मिनट में, नहीं लगभग 5 मिनट ही छोड़ा था। और देखिए ये इसमें रखा हुआ था लेमन वाला वाटर, तो इसको मैं निकाल लूँगी कपड़े से क्योंकि ये गर्म हो गया होगा, और इससे सारे में स्टीम फैल गई है। तो आप 10 मिनट्स करके थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिएगा जिससे स्टीम सारे में फैल जाए, इस स्टीम से ही क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, और जो अंदर जितना भी ऑयल जम जाता है वो सब क्लीन हो जाता है। तो देखिए माइक्रोवेव की हालत कैसी हो रही है, ऐसा बहुत गंदा भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम कुछ गर्म करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत तो गिर ही जाती हैं ना। तो मैं इसमें बाटी वगैरह बनाती रहती हूँ, जब ये दाल बाटी बनाती हूँ तो बाटी इसमें ही बनाती हूँ। अब इसी में भी मैं नींबू और ये नींबू पर नमक लगा के इसको चारों तरफ रगड़ दूँगी जिससे जितना भी ऑयल है ना वो नींबू से सब उतर जाएगा, और इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी तो जो ऑयल होगा सब फूल के बाहर निकल जाएगा जब मैं इस पर कपड़ा लगाऊंगी। तो इस पर मैं सारे में ये लगा दूंगी, और ये मैंने बहुत अच्छे से इसको रगड़ दिया है। अब देखिए मैं इसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ तो एकदम चमकता जा रहा है मेरा माइक्रोवेव, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया, और ये 3 साल पुराना हो गया है मेरा माइक्रोवेव और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बस इसकी एक यही ट्रिक है कि आप इसको मंथली बेसिस पे इसमें नींबू रखें और उसको 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर दें पानी में डाल के, तो उससे जितना भी ऑयल अंदर इसमें जम जाता है वो सब उसको क्लीन कर देता है, एक तरह से इसकी सर्विसिंग का काम करता है और आपका अच्छा फंक्शन करता है फिर ये माइक्रोवेव। अगर आप लोग भी अपने माइक्रोवेव को ऐसे ही क्लीन करते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई नई ट्रिक है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि शेयर करने से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मेरा माइक्रोवेव चमक गया बिल्कुल चमाचम, बिल्कुल नई की तरह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन देखिए एक दूसरे को। तो देखिए मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल चमक गया है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो, और कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं अपने माइक्रोवेव को आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर योरसेल्फ।